बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमारा अशरफ एंड विद शेफ गुलाम मुस्तफा। अभी हम बनाने जा रहे हैं जनाबी अली चाइनीज़ राइस। ये शेफ साहब ने घी ऐड कर दिया है पैन के अंदर, कढ़ाई के के अंदर। अंदर यस, ये हमारे शेफ साहब हैं। आप एक दिन देखेंगे इंशाल्लाह, इनको दुनिया में बच्चा बच्चा पहचानेगा। बस टाइम टाइम आने वाला है इंशाल्लाह। तो ये हमने जनाब घी जो ऐड कर दी है, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जो बहुत कमाल का मीडियम है। और ठीक है, हमारी अभी तक नहीं सुनाई हुई, लेकिन यहाँ पे जब भी सुनाई होती है इंसान चांद को छूते आता है। ये हमने घी ऐड कर दी, हम भी उसी उम्मीद पे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा सर, एक दिन हमारी भी खुदा सुनेगा। हमारे उस्ताद जी बहुत अच्छे शेफ़ हैं, कभी हम आपको बहुत अच्छी जगहों पर ले जाके भी यहाँ पे कुकिंग वगैरह करवाएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे। अभी हमारे बजट के मसाइल हैं जिसकी वजह से हम नहीं कहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यस, अभी यहाँ पे थोड़े से मसाइल में भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये हमने अंडे डाल दिए हैं जनाब, और ये है जनाब शिमला, ये है गाजर, बंद गोभी, बंद गोभी, हरा प्याज, चिकन, ये है चिकन जनाब, और ये हमने घी ऐड कर दिया है 3 से 4 टेबल स्पून। ये हम ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, घी अच्छे वाला इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हम लोग इस्तेमाल करते हैं घी, और ये बहुत ही अच्छा होता है फॉर द सेक ऑफ एको। इस चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन फ़ायदा है। अभी हम लोग ऐड करेंगे जनाब अली इसके अंदर ज़रदार कलर, दैट इज़ ब्यूटीफुल। और इसके अंदर अंडों के अंदर नमक, सॉल्ट, नमक हंस पे जरूरत ऐड कर लें। उसके बाद ब्लैक पेपर, ये इसमें ऐड हो रही है जी ब्लैक पेपर। ठीक हो गया, जबरदस्त। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लो। मैंने दिलदारी से एक सेकेंड, चार्जिंग खत्म हो गई जी। तो फ्रेंड्स, ये हम नाजरीन डालेंगे, अभी हम लोगों ने डाल दिया है चिकन, सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे। बस तो करता है, इसमें डालेंगे सॉल्ट, उसके बाद ब्लैक पेपर, हम डाल दें सोया सॉस, और ये हम डाल दें चिली सॉस। ठीक हो गया, सब और ये हम डाल दें चिकन, और चिकन को पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक। वाह, और उसके बाद मिलते हैं बाद में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है।
अस्सलाम वालेकुम, ये हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी है चिकन के अंदर। इसको भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। बाकी चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं जो हमने इसमें ऐड किए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अशरफ एंड शेफ गुलाम मुस्तफा। अभी हम लोगों ने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है, ये साथ में एक फ्राइड राइस का सामान भी तैयार हो रहा है। तो आई थिंक इसमें चावल तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम लोग ये जो है अंडे हैं उनको अच्छे तरीके से पका लेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने हमें कि खाने के टाइम तो आप नहीं कहते कि मुंह सड़ गया। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया माशाल्लाह। अभी हमने इसमें चमचा हिलाया। हम नाजरीन अभी डालेंगे गाजरें। जी जी, ये गाजरें आ गई इसमें, गाजरें और बंद गोभी। वाह, गाजरें और बंद गोभी। वाह, ये जो आपने बचा लिया सामान, ये तो प्याज है जो ऊपर गार्निश करनी है। ओके, वाह क्या ही खूबसूरत कलर है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग अंडा जो है वो फ्राई कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी ऑमलेट बन रहे हैं जी, चेक करें जरा। हाँ, मन बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये ऑमलेट तैयार हो रही है। लोग हमें फिर भी नहीं देखते। यार शेफ साहब, वाम से कह रहे जरा यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, देखा करो गुड। और नाजरीन, हम नई नई चीज़ें बना के आपको दिखाया करेंगे। एक्सलेंट एक्सलेंट मुस्तफा, एक्सलेंट। ये देखें ऑमलेट तैयार हो गया। जी फ्रेंड्स, हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया और ब्लैक पेपर, अभी इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड हो गया। बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद ये वाइट पेपर, पेपर ऐड हो रही है, वाइट पेपर ऐड होगी। गुड, ठीक है, और उसके बाद नमक, नमक के बाद सोया सॉस, इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। और वालेकुम फ्रेंड्स, हमने अंडा भी ऐड कर दिया है। अभी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है मिक्सचर और राइस। हमने अब इसके अंदर ये वाइट राइस है, बस ये मावा तैयार हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर चावल मिक्स करके ये आपका एक फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है।